अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देखें आज ही बनाए, बहुत लश पश बने थे। ये देखें ज़बरदस्त स्टफिंग। और आज हमारे किचन में बने हैं स्टफ समोसा बन। ठीक है जी, चलिए तो फिर आपको बनाना सिखाते हैं हम लोग। सही, चलो चलो भाई जल्दी जल्दी दूसरी क्लिपिंग आए। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 2 कप। सही है, और इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून सॉल्ट, ईस्ट है 1 टेबल स्पून, सोडा है 1 टीस्पून, ये सोडा है, ठीक है, ये नमक है 1 टीस्पून, और शुगर है, चीनी 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाएंगी मैदे में और इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये है नीम गरम दूध, दूध को ज़्यादा गरम मत करिएगा वरना ईस्ट अपना काम जो है वो नहीं करता है, यानी कि वो फुलाता है आटे को तो वो नहीं फुलाएगा। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है ऑयल, इसको मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। दूध 1/2 कप मैंने लिया था, लेकिन यहाँ पर जो है आगे मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने और दूध इस्तेमाल किया था, तो आप 1 कप ले लीजिएगा, ठीक है। चले जी, हम गूंद लेते हैं आटा, ठीक है जी, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे जो है ये देखें जी, हो गया आटा। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयलिंग कर ली ताकि जो है वो सॉफ़्ट इसकी स्किन हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ हैं। और इसको अब मैं 1 घंटे के लिए, 1 से 1.25 घंटे के लिए मैं रख दूँगी किसी भी कैबिनेट में। चाहिए, यहाँ मैंने चॉप ले ली है प्याज 1 कप, ऑमलेट वाली चॉप कर ली थी, ठीक है। अच्छा, ये चिकन है, 4 बोटियाँ ली थी, उसको पानी में डाला, बॉईल किया, बॉईल करते हुए नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, अदरक लहसुन ये डाल के बॉईल कर लिया, फिर इसके रेशे कर लिए, ठीक है। रेशे करने के बाद ये 1 कप चिकन हमारे पास आ गई, ठीक है। ये है, एक मैंने बड़ी ले ली थी शिमला मिर्च, और 3 टेबल स्पून ले लिए थे मैंने कॉर्न फ्रीज हुए हुए, ठीक है, पैकेट के। अच्छा, यहाँ पे 1 हरी मिर्च ले ली थी मैंने बड़ी, उसको बारीक काट लिया था, और थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया था। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून ये सॉल्ट है, नमक, और 1 टीस्पून है काली मिर्च येरा, और 1 टीस्पून है भुना हुआ पीसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, और ओरिगानो है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून है, ठीक है। ये मसाले, ये चेडर और मोज़रेला चीज़ है, इसमें मोज़रेला चीज़ ज़्यादा है और चेडर कम है, ठीक है। ये 1 कप मैंने अंदाजे से बस मैंने ये इसको श्रेड कर लिया था, नहीं श्रेड नहीं किया था, मैंने क्या किया था, इसको कद्दूकश कर लिया था। अच्छा, 1 फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, इसको मैंने प्याज डाल दी इसमें। अच्छा, प्याज को सिर्फ इतना पकाना है कि ये हल्की नरम हो जाए, लेकिन ये इसका कलर चेंज ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मैंने शिमला मिर्च और कॉर्न डाल दिए। अच्छा जी, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, थोड़े से नरम पड़ गए। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला, चिकन डाल दी। सही है जी, चिकन डाल दिया, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अच्छा भी, इस स्टेज पे आके सारे जो है हमने मसाले ऐड कर लिए, ठीक है। ज़रा चूल्हे की आंच मैंने तेज़ हो गई थी, लेकिन आप जो है वो हल्की आंच पे ही बनाइएगा। धनिया और मिर्चें ऐड कर दिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको आप ठंडा करने के लिए रख दें अलग से, ठीक है, एक बाउल में निकाल के। अच्छा जी, यहाँ पे आटा हो गया था
और आटे के मैंने अच्छी तरीके से ये दो तीन मुखियाँ मार के ना, तो और अच्छी तरीके से इसको नीट कर लिया था। चलिए फिर उसके बाद मैंने आटे में से हवा वगैरह इसकी अच्छी तरीके से निकाल के इस तरह ये पीसेस कर लिए छुरी की मदद से और पेड़े बना लिए, ठीक है, ताकि हमें हमारे बराबर साइज़ के पेड़े बने। यहाँ पर ये देखिए, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले अच्छा मुझे मुश्किल हो रही थी यहाँ पे रोटी बनाने में, क्योंकि ट्राईपॉट रखा हुआ था और चीज़ें बिल्कुल सामने थी, तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे हाथ से कहीं चीज़ें ना गिर जाएं सारी। तो खैर हो गया था काम। तो यहाँ मैंने रोटी बेली है, पतली रोटी बेलिएगा, मोटी मत बेलिएगा, ठीक है। सबसे पहले लंबाई में बेलिएगा। अच्छा जी, पतली रोटी बेल दी। उसके बाद आपके पास अगर ये कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी, या आप ये इस तरह की लाइनें इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने सादे वाले कटर से ये लाइनें डाल रही हूँ, तकरीबन 8 से 10 डालिएगा। चलिए जी, ये हो गया, ये लाइनें डल गई। आप जो कोने वाला क्या कहते हैं, ये आटे, ये रोटी का जो है कोना उठा के रोटी का, और उसको ये डबल करके इसके ऊपर करेंगे फिलिंग, ठीक है। ये रख दिया हमने मसाला, उसके बाद हम रखेंगे चीज़। अब ये देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ समोसे का, बिल्कुल जो है ना इसको शेप देने, सही है। ये देखें, ये समोसे का शेप दिया, और आगे से बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेस करके बंद कर दिएगा। तो ये देखें, वो जो काटी थी, लाइनें काटी थी, जो हमने शेप अच्छा सा दिया था, वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। और ये पिज़्ज़ा ट्रे है, इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग करके इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और उस पर रख दिया, ठीक है। मैं दूसरा आपको एक दफ़ा करके बता देती हूँ, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे रोटी बेलने में। ये रोटी बेली, पतली रोटी बेलने, याद रखिएगा किनारे वगैरह सब पतले हों, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद तकरीबन 8 या 9 इस तरह की जो है ना वो लगा दिएगा, आप लाइनें बना दिएगा। आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कटर से करें, कटर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और फिर ये किनारा उठा के इसको डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद फिलिंग जो थी वो हमारी ठंडी हो चुकी थी, रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, और वैसे भी सर्दियां आ गई हैं तो ये कि जल्दी वो ठंडा हो ही जाता है। और ये देखिए, सबसे पहले एक तरफ ये उठाया और इसको बंद किया, फिर दूसरी तरफ का उठा के इस तरह फोल्ड कर दिया, सही है। ये देखें, ये हो गया तैयार। इसी तरह चलें, मैं सब तैयार करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे चले गई थी लाइट, और मुजम्मिल पकड़ा हुआ था दूसरे मोबाइल से टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी और उसी के अंदर ये काम चल रहा था। यहाँ पे मैंने एक अंडा लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डाला, और फिर उसको फेंट के उसके ऊपर ब्रशिंग करिए इसकी ब्रश से, ठीक है। क्योंकि हम लोग ओवन में तो बना नहीं रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं ये पतीली में, तो कलर अच्छा लाने के लिए थोड़ा सा दूध ऐड करना लाजमी है, ठीक है। ये मैंने पतीला 15 से 20 मिनट पहले जो है इसको दरमियानी आंच पे रख दिया था। अब इसके अंदर मैंने ट्रे रख दी है और 50 मिनट के लिए इसको बंद करके रख दिया है। 50 मिनट बाद आप ये देखें, हाँ भाई कैसा दिया, अच्छा दिया। आप ये अपने घर में बनाइए चाय के साथ, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को खिलाइए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। और मुझे दीजिए आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये देखें, चलिए जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।